हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एवरी मंथ हमारा बच्चा कई सारी नई एक्टिविटीज़ करना सीखता है, साथ ही साथ हम ये सोचते हैं क्या उम्र के हिसाब से हमारा बच्चा अपने सारे माइलस्टोन्स को पूरा कर पा रहा है, क्या हमारा बच्चा वो सभी एक्टिविटीज़ करता है जो कि इस उम्र में जो है वो दूसरे बच्चे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनरली 6 से 7 महीने का बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूर करता है, साथ ही साथ अगर आपका बच्चा ये कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की फिज़िकल ग्रोथ की। फिज़िकल ग्रोथ में सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों का वेट। इस उम्र तक बच्चे का वज़न जो है वो जन्म से 2.5 गुना हो जाता है। जन्म के समय अगर बच्चे का वज़न 3 kg है तो इस उम्र तक बच्चे का वज़न जो है वो 7 से 8 kg के आसपास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा कितना दूध लेता है। इस उम्र के बच्चे जो है लगभग 900 से 950 ml दूध जो है वो एक दिन में लेते हैं। ये कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ये बच्चों की भूख पर और उनके डाइजेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस उम्र तक बच्चा पलटना तो सीख ही जाता है, साथ ही साथ कुछ बच्चे जो है वो घुटनों के बल चलना भी सीख रहे होते हैं या फिर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे इस उम्र तक जो है वो बैठने लग जाते हैं और वहीं कुछ बच्चे जो है वो बैठना सीख रहे होते हैं। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चे जो हैं, हर एक बच्चे का ग्रोथ अलग होता है, उनकी एक्टिविटीज़ अलग होती है, उनका डेवलपमेंट अलग होता है, इसलिए हो सकता है कि कुछ बच्चे अपने माइलस्टोन्स को जल्दी अचीव कर लें, कुछ बच्चे जो हैं वो लेट से अचीव करें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की नींद। इस उम्र तक बच्चा लगभग 12 से 14 घंटे की नींद जो है वो दिन में लेते हैं। इससे बच्चे जो है वो 2 नैप में कंप्लीट कर सकता है और रात में जो है बच्चे पहले से और ज़्यादा सोने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस उम्र में बच्चे खिलौनों को हाथ में लेकर और घुमाने की कोशिश करने लगते हैं, साथ ही साथ बच्चों का जो कलरफुल टॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, बच्चा नई नई चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप बच्चे के पास कुछ चीज़ को रखते हो, बच्चे से थोड़ी दूर में रखते हो तो बच्चा जो है वो उसे क्रॉलिंग करके लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस उम्र तक बच्चों की जो है वो टीथिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ बच्चों के दांत जो है वो आ जाते हैं, वहीं कुछ बच्चों के जो है वो आ रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चों के मेंटल ग्रोथ की कि इस उम्र तक बच्चों का कितना जो है वो दिमाग का विकास हो चुका होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चा जो है अपने आसपास के लोगों को, जिनको वो हमेशा देखता है, अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो भी जिनको वो रोज़ाना देखता है, उनको वो पूरी तरीके से पहचानने लगता है और उनको जब वो उनके पास आते हैं तो अपनी खुशी को जाहिर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के सामने अगर आप किसी चीज़ को छुपा देते हैं तो बच्चा जो है उस पर नज़र रखता है और उसको ढूंढने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की आवाज़ जो है बच्चा इस उम्र तक सुनने लगता है और बच्चा जो है वो नई नई टॉयज़ की आवाज़ें, साथ ही अगर आप बच्चे को आवाज़ देते हो तो बच्चा जो है वो समझने की कोशिश करता है कि आवाज़ किधर से आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस उम्र तक बच्चे जो है आपको अपनी परेशानी बताने की कोशिश करने लगते हैं। अगर बच्चे को भूख लग रही है तो वो रो कर बताने की कोशिश करेंगे, अगर बच्चे खुश हो रहे हैं तो वो हंस कर बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस उम्र तक बच्चा जो है उनका पसंद और नापसंद जो है वो डेवलप हो जाता है। अगर बच्चे को कुछ चीज़ें नहीं पसंद होगी तो वो जो है आपको उन चीज़ों को हटाने को या फिर नहीं खाने का ऐसा कुछ जो है वो साइन देने लगते हैं। नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों की डाइट, क्योंकि 6 मंथ से हम बच्चों का सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं तो बेहद ज़रूरी होता है कि इस मंथ में भी आप बच्चे को जो अच्छी डाइट दें, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट दें, बच्चे को बाहर की चीज़ें बहुत कम दें, साथ ही साथ बच्चे की डाइट में सभी चीज़ें शामिल करें, दाल चावल जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं वो सब बच्चे को खिलाएँ ताकि बच्चे को जो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स सभी चीज़ें बच्चे को मिल सके और बच्चे का फिजिकल मेंटल ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो। इस उम्र में आप बच्चे को सूजी साबूदाना इसके साथ जितने भी फ्रूट्स हैं वो दे सकते हो, हरी सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल पालक दे सकते हो, बीट दे सकते हो, गाजर दे सकते हो, बीन्स दे सकते हैं, साथ ही साथ आप बच्चे को फ्रूट प्यूरीज बनाना एप्पल ये सब बनाकर ज़रूर दें। इसके साथ नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बच्चे को सेरेलेक खिलाते हैं तो बिल्कुल बाहर का सेरेलेक बंद कर दीजिए, हो सके तो बच्चे के लिए घर में सेरेलेक बनाइए और नहीं तो बच्चे को दाल चावल की खिचड़ी बनाइए, सभी चीज़ें डालकर मस्त टेस्टी सा। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपका बच्चा नहीं कर रहा है इस उम्र तक, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अगर बच्चा इस उम्र तक पलटना नहीं सीखा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा सपोर्ट से भी नहीं बैठ पा रहा है तो आपको डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा काफ़ी इनएक्टिव है, खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लोगों को देख कर जो है वो रिएक्शंस नहीं देता है, तो एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के हाइजीन का, उनकी साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें, उनके नेल टाइम टू टाइम काटते रहें, उनके बेड, उनके आसपास सभी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि इस उम्र में बच्चे सभी चीज़ों को उठाकर मुंह में ही डालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू मॉमीज, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और भी मदर्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।